चलो आ चुके हैं यहाँ पर पेट फूड की दुकान पे। अब लेते हैं पेट, ये यहाँ की बेस्ट दुकान है पेट फूड की। अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है। ये निकाला है मियो का भैया ने खाना, और एक ये पैकेट लिया है यूँ कह रहे, इस पर आपके कैट हेल्दी रहेगी और बाल भी झड़ेंगे। रॉयल कीनी का ये पेयर पैट है, इसको भी मिलाना पड़ेगा, इसको अभी छोड़ना नहीं है, एक वीक तक इसको यूज़ करना है। वो मैं बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, अभी घर पे हम इसे मिक्सिस करेंगे। चलो ये सही है, ये भी सही है। अब भैया से बोलता हूँ इसे पैक कर दें। चलो पैक के बोल देते हैं भैया, पैक कर देना इसे। ये भैया ने दे दिया हमें पैक करके, ले लिया। और ये भैया ने हमें एक ट्रीट दी है फ्री में, इतना सामान लिया तो इन्हें फ्री में एक ट्रीट दे दी। घर पे आ चुके हैं, चलो अब इसे खोलते हैं। खोलने के बारे अब आपको सिखाएंगे सही तरीका, जिससे आपकी पेट को लूज मोशन या तबीयत ख़राब ना हो सके। चलो अब मिक्स करना सिखाएंगे और कैसे आपको देना है। ये तो इसलिए लिया है मैंने कि बस बाल बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा हेल्दी रहेगी। ये काफ़ी सही बताया, पर ये रेगुलर यूज़ करना है। फिर इसके बाद इस पैट को, प्योर पैट को छोड़ के एक दो पैकेट तो लाया हूँ मैं। इसे अभी इस हफ्ते ही देना है बस, खाली एक वीक खिलाना, उसके बाद फिर मियो खिलाना है खाली ओनली बस। क्योंकि ना एकदम खाना छोड़ेंगे तो बिल्ली की तबीयत ख़राब हो सकती है, इस चक्कर में ये दो पैकेट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डब्बे में भरेंगे इन सारों को। ये डब्बा है तो 5 किलो का तो होगा डब्बा, ये मैं लेके आया था। चलो ये ट्राई करते हैं, अब डालते हैं। चलो डालते हैं, ये 400 ग्राम का है ये पैकेट, ये मियो का है, ये 1.2 kg का है, और ये प्योर पैट का है 250 ग्राम का। हम पे दो पैकेट लेके आए, एक ये रहा, ये 250 ग्राम का है। अब इस डब्बे में चलो करते हैं स्टार्ट करना। सबसे पहले खोल लिया, खोलने ये वाला पैकेट डालते हैं, ये रॉयल कीन का। चलो पैकेट तो काफ़ी सही है इसकी, चलो डालते हैं। पहले डाल लेते हैं सारे पैकेट, डाल लेते हैं पहले डब्बे में, ठीक है। डालने के बाद उसके बाद फिर बताता हूँ क्या करना है आपको। चलो ये तो हो गया, थोड़ा बंद कर देता हूँ, ये बिल्ली है एक तो माननी नहीं है मेरी। अब इसे डालते हैं, इसकी पैकेट खोलते हैं। आपको सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर आपको कैट को थोड़ा हेल्दी रखना है तो क्या बोलते हैं, चेंज करने फूड चेंज करें उसका फूड, तो इस तरीके से ही करना है। चाहे आप कोई सा ही फूड लेके आओ, जो आप खिला रहे हो उसे जो आप खिला रहे हो उसे तो रखना ही रखना है एक हफ्ते तक, उसी खाने के अंदर मिला के थोड़ा थोड़ा, पर फिर उसके बाद बंद कर देना है एक हफ्ते बाद। चलो मैं इसे कर लूँ फटाफट सबको जल्दी से, फिर बताता हूँ। मेरी स्टेटम कितनी परेशान कर दूँगी खाने के चक्कर में। टॉम नहीं टॉम,
देखो हाथ डाल ली वो अंदर किट्टी। चलो ये भी हो गए रेडी। ये देखो डब्बा भर चुका है काफी। अब आपको 2 मिनट तक इसे मिक्स कर लेना अच्छे से घुमा के जो मिल जाए अच्छे से मिला लेना आप किसी भी बर्तन में या कोई डब्बे वब्बे बनाओ तो इस तरीके से मिला। और इसको खाने को फूड को इसको खुला नहीं रखना क्योंकि ये सील जाता है। सीलने की वजह से बिल्ली नहीं खाती हैं। मेरे संग पिछली बार हो चुका था। मैं 5 kg का लेके आया था जब। ये पैकेट रख देता हूँ साइड में थोड़ा। ये डाले 4 पैकेट मैंने। चलो इन्हें साइड में कर दें। अब इन्हें बिल्लियों को टेस्ट कराते हैं थोड़ा खाना इन्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं खाने में। चलो इनके प्लेटें लगा देते हैं। प्लेटें तो लग गई पर ये इतनी उतावली हो रही हैं खाने के चक्कर में कि पूछो मत। नया खाना है ना इस चक्कर में बेसब्री से इंतजार रहना है। देखो कैसे पागल हो रही हैं। चलो थोड़ा थोड़ा इन्हें दे देते हैं। अब टेस्ट कराएं इन्हें इनका नया फूड। लो भाई तुम लो। रुक तो सही। अरे रुक तो जाओ यार उसका ही खा रहा है वो तो। भाई इधर खा इधर। हाँ इधर आ ले ले ही खा। चलो ढक्कन को बंद कर दूँ। एयर घुसेगी इसमें। पीछे रख दिया पानी भी रख दे रहा हूँ। चलो एक ये पी लेंगे प्यार बस लगेगी तो। आपको कीटन को पानी ज़रूर रखना है नहीं तो इनके बाल उससे भी झड़ते हैं पानी ना रखो तो। चलो ये